हे एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक DCP टाइप एक्सटिंग्विशर जो कि कार्टेज टाइप है। हमारे पास पहले यही थे जो कार्टेज वाले हैं, लेकिन अब प्रेशराइज आ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को अभी इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके कौन कौन से पार्ट हैं, अंदर क्या होता है। अब जो नए आए गए हैं वो सीधा कंपनी में जाते हैं रिफिल के लिए, लेकिन इनको हम अपने आप खुद रिफिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसके एक एक पार्ट के बारे में बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटर कंटेनर जो ये है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये लीवर, रिलीजिंग लीवर, ये असेंबली कैप, ये सेफ्टी पिन इसमें जो लगी होती है, और ये जो ऊपर होती है कैप, इसको बोलते हैं स्टैकिंग नो, जिसके ऊपर हम मारते हैं इसको पंचर करने के लिए। ठीक है, ये होता है कैरी हैंडल, इसको कहीं भी उठाने के लिए या लटकाने के लिए। ठीक है, ये होता है मेंटेनेंस का, ये मंथली मेंटेन होता है। तो जैसे हमने ये जुलाई पे पंच किया हुआ है, तो ये जुलाई तक मेंटेन है। तो अभी हम इसको खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, मैं उसको बताता हूँ। ये यूनिवर्सल रिंच, ये असली कुछ है, जैसे हमने इसे खोल लिए हैं, इसके अंदर होती है CO2 कार्टेज। ठीक है, जिसके अंदर लगभग 200 बार का प्रेशर होता है CO2 गैस का। ठीक है, ये हमारी असेंबली कैप, ये होती है स्टैकिंग मोड। ठीक है, और इसको भी हम खोलते हैं, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज खुलेगी, मतलब उल्टा होता है। तो ये है हमारी CO2 की कार्टेज। इसके अंदर एक सील प्लेट होती है, सीलिंग प्लेट, मतलब जो इसको अंदर सील करके रखती है, जो एक सीलिंग डिश टाइप होता है। ठीक है, तो इसमें एक पिन होती है जो वेरी शार्प होती है, बहुत ज़्यादा। ये अंदर हो गए इसके वेंट होल होते हैं, और ये बाहर जो छोटे छोटे हैं छेद, आप देखोगे कभी जब कभी एक्सटिंग्विशर, तो बाहर होते हैं पोर्ट होल। ये था आउटर कंटेनर। इसके अंदर एक होता है ये इनर कंटेनर, ये पाउडर को जमने से बचाता है। कब? जब हम इस CO2 कार्टेज को इस असेंबली के प्लंजर के द्वारा इसमें छेद है ना, जो उसे लीकेज करते हैं, तब प्रेशराइज से जो गैस निकलती है, तब ये बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाती है। चिल्ड होने के कारण नमी आ जाती है, नमी तो ये जो इनर कंटेनर है इसको बचा लेता है पाउडर को इसे जमने से। अगर पाउडर जम गया तो अंदर जो सल्फर ट्यूब है, जो इसमें बिल्कुल बॉटम तक है, उसके अंदर जो कण है उसके जम जाएंगे और वो ब्लॉक कर देगा हमारे डिस्चार्ज ट्यूब को, तो प्रॉपर चल नहीं पाएगा एक्सटिंग्विशर। और अंदर है ये ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि एक लेवल होता है इसमें, यहाँ तक इसमें अंदर दिखा, ये रहा सामने एक पत्ती टाइप होता है जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ तक ये भरना है। इसमें 9 kg के आसपास ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ओके गाइस, तो एक्सटिंग्विशर की भी कोडिंग होती है अलग अलग कलर्स की। हम सिर्फ ब्राइट कलर के ही एक्सटिंग्विशर होते हैं जब हमने आज तक देखे होंगे, लेकिन NBC नेशनल बिल्डिंग कोड, उसके अंदर हर एक्सटिंग्विशर का एक अलग रंग होता है। तो उसके भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, अलग अलग एक्सटिंग्विशर के अलग अलग एडवांस में है ये फायर में थोड़ा, लेकिन
जितनी नॉलेज लोगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कलर एक्सटिंग्विशर का कौन सा कलर होता है। मैं अच्छी अच्छी नई वीडियो लेके आता रहूँगा लर्निंग के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एंजॉय करिए।